सो गाइस ये देखो लड़की ने बाइक गिरा दिया बक बक यार। तो गाइस लड़की ने बाइक गिरा दिया यार, लगी मुझे। यार मत रो ना यार, रो क्यों रहे हो? ये फिर से टूट गई होगी। तो भाई देखो कितनी अच्छी लग रही है बक बक मेरे जैकेट में। तो चलो बक बक को ऐसे जैकेट पहनाते हैं और चलते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यहाँ देखो आप, तो गाइस जो आपको यहाँ पे ये धुआं दिख रहा है ना, जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा स्पीड से, तो भाई ये कोई धुआं नहीं है, ये बादल थे जो नीचे आ चुके थे। तो भाई चारों तरफ आप देखो, चारों तरफ से बादल ही बादल दिख रहे हैं आपको। तो भाई हर जगह ना पेड़ ही पेड़ है, लेकिन ये बादल देखो बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं। अब जैसे कि मौसम साफ़ हो रहा है, तो अब ये बादल जो है ना सिटी को छोड़ के अपने वापस गाँव की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस देखो यहाँ पर हमें हमारा फ़ैन मिल चुका है। बस बढ़िया, और ठीक हो? बस जा रहे हैं ब्लॉग शूट करने। ओके तो भाई ये देखो चारों तरफ बादल ही बादल हैं, नहीं तो सामने बिल्कुल एक पहाड़ है जो दिखता है, तो अभी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होगा आपको। तो चलो शुक्र है बारिश तो बंद होगी, वरना लग नहीं रहा था कि यहाँ पे व्लॉग शूट होगा। सो फाइनली अब थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है, तो अब मैं जा रहा हूँ, पहले मैंने बकबक को पिक करना है, उसके बाद हम चलेंगे राइड। तो भाई ठंड लग रही है यहाँ पे, जैकेट लगाया है लेकिन फिर भी ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। तो अब बकबक को लेने जा रहा हूँ, तो ठंड में मेरी कुल्फी बन चुकी है तब तक। तो गाइस जिसने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके मुझे फॉलो करो। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करो, हमेशा रेडियल वाले टायर से ना थोड़ा ध्यान से चला करो, क्योंकि ये ऑफरोडिंग टायर नहीं होते जो आपको हिली एरिया पे काम आए। तो ये देखो भाई सामने का व्यू, क्या ही एक नंबर व्यू आ रहा है। तो भाई एंजॉय करो इस व्यू को। Binomo Harness Trading App is an additional source of income for small daily expenses. Binomo has 2 million successful trader in India. तो गाइज इस प्लेटफॉर्म पे आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो गाइज मैं इसमें 350 इन्वेस्ट करके प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरा ग्राफ जो है वो अप जाएगा। तो लेट्स सी, यस। तो गाइज देखा मेरा प्रेडिक्शन जो थी वो बिल्कुल सही निकली। और गाइज इसमें आपको बहुत सारे असिस्ट मिल जाएंगे, आप जिस मर्जी असिस्ट में चाहो इनकम कर सकते हो। और हाँ गाइज एक खास बात, आप इसमें 350 से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और हाँ गाइज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करके Binomo ऐप को डाउनलोड करते हो, तो आपको आपके डेमो अकाउंट में मिलेगा 65,000 रुपीज, तो जिससे आप ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर गाइज आप स्क्रीन पे दिए गए प्रोमो कोड को यूज करके मनी डिपॉजिट करते हो, तो आपके रियल अकाउंट में आपका अमाउंट जो है वो डबल आ जाएगा, जैसे कि 350 का 700 एंड 500 का 1,000 रुपीज। अपने प्रॉफिट के हुए अमाउंट को आप किसी भी बैंक अकाउंट या पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हो विद इन 24 आवर्स। तो गाइज किस चीज का वेट कर रहे हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से जाके डाउनलोड कर लो। आर यू अ बिनोमिस्ट, ज्वाइन नाउ। तो गाइज जैसे कि आपको पता था कि हम जा रहे हैं राइड पे, अभी हम आ चुके हैं एक बार अपने रूम पे वापस। क्यों? क्योंकि भाई बाहर हो रही थी इतनी ज्यादा तगड़े वाली बारिश, तो मैं तो आया था इनको पिक करने। तो भाई इनको पिक तो मैंने कर लिया था, लेकिन वहाँ इतनी ज्यादा बारिश हो गई थी ना, तो मैंने इनको बोला चलो मेरे रूम पे रेस्ट कर लेते हैं, तो थोड़ी देर के बाद जब बारिश रुकेगी तो फिर हम राइड करेंगे। तो बाहर बारिश रुक चुकी है, तो अब हम जा रहे हैं राइड पे। और ये देखो बकबक को, जो पिछले ब्लॉग में इनको मैंने ड्रेस लेके दी थी, आज ये वही लगा के आ गए। हाँ तो जो आज लगाओ वो मर्जी, मैंने मना किया आपको, मगर नए मत लगाओ ना, पुराने कपड़े लगा के आया करो। क्यों लगाऊं पुराने, मेरी मर्जी में जो लगाओ। भाई डेविल आदमी को ज्यादा पसंद आते ना फिर। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये आपने बोला था पिछले ब्लॉग में कि मैं आपका ब्लॉग शूट करने नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, तो आज क्यों आए? तो जाओ। तो गाइस ये लड़की बेड से नीचे गिरने वाली थी, तभी चला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं आप मेरे को गिरा दोगे, इसको बैठ नहीं नहीं नहीं। तो गाइस इसको बैठ, खत्म, बाय बाय टाटा। तो गाइस ये लड़की बैठ से नीचे गिर गई, हालत देख रहे हो इस लड़की की। तो गाइस लड़की ना बेड से नीचे गिर चुकी थी, कमर टूट गई इनकी। रो मत यार, पीटो मत ना। ब्लॉगिंग करो। हाँ चलो राइड पे, राइड पे चलना है। हाँ। यार ये क्या बनाया आपने, ये मधुमक्खी का छत्ता क्या बनाया? नहीं आराम से, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाएंगे। चलो चलना राइड पे। हाँ लेकिन ठीक है यार, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, वो रद्दी बना था पोपो पोपो। तो गाड़ी चलाओ, यहाँ से चलते हैं, इसको ज्यादा तंग नहीं करो। तो चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं फुल पावर। मेरी बाइक क्यों आवाज़ कर रही है इतनी? तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना बड़ा पानी का तालाब आ चुका है, तो इसके बीचों बीच हम जाएंगे और बकबक को भी इस पानी के बीच में भिगाएंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो, तो भाई ये पानी के बीचों बीच निकल चुका हूँ मैं। भाई देखो क्या मस्त वाटर क्रॉसिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ से। हाँ जी क्यों रुको? तो नहीं 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 यार, पता क्या बारिश है, स्लिप है बहुत ज्यादा, गिर जाएंगे यार। यार बोल रहा हूँ मानो, क्योंकि सर्दी है ना, और मुझे बाइक चलाने का मन कर रहा है। ठंड में बाइक चलाने का मन करता है, ठंड में कॉफी पीने का मन करता है। इधर तो कॉफी मिलेगी नहीं ना, रुको ना, चले जा रहे हो, बोल रही हूं। अच्छा रुकना है, तो गाइस चलो अब इस लड़की के बोलने पे रुकता हूँ मैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे इस लड़की ने मुझे बाइक से जबरदस्ती उतार दिया, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। ये
तो गाइस देखो यहाँ पे डाम तो भाई खुशी के मारे ये लड़की पागल हो चुकी है, तो चलो आओ बाइक चला लो। तो भाई रोड देखो बिल्कुल गीली है, तो अब मुझे लग रहा है कि आज अपनी बारी आने वाली है। और ये देखो टायर को आप देख सकते हो पूरा पानी से ना गीला हो चुका है, तो स्लिप भी करेगा। तो अब मुझे पीछे बैठना है इनके, और मैं पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ मुझे सही सलामत घर पहुँचाना। तो इनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भाई सही सलामत घर पहुँचाना, ठीक है? बैठ जाओ यार, आराम से चलाना, शोर नहीं करो यार, डर लग रहा है यार, प्लीज ओके उतरो ना नीचे यार, प्लीज उतरो ना, यार उतरो, बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ उतरो, ठीक है? मैं बोल रही हूँ, मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, नहीं तो अभी यहाँ पे पंगा हो जाएगा। जाओ पर मेरे को शेर खाएगा, मैं तो जाओ, आप जाओ ना, मैं बाइक से। अच्छा ले आओगे आप बाइक? तो गाइस चलो अब मैं पीछे बैठता हूँ। यार एक बात बोलो, आज आप इतने गोरी क्यों लग रहे हो? क्यूट लग रहे हो आज आप। अच्छा चल बैठ 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 बैठ। अरे मत करो ना, मुझे तंग क्यों करते हो यार आप? What is going on in there? Why? What is taking so long? गाइस मैं बकबक के पीछे बैठा हूँ, तो भाई मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा डेंजरस रास्ता है ना, एक नंबर राइड करती है भाई ये लड़की। तो ये देखो यहाँ पे इन लड़कों के कितने क्यूट क्यूट रिएक्शंस आ रहे हैं। तो भाई इतने ज्यादा ब्लाइंड कर्व्स हैं यहाँ पे, तो बकबक को काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट डे मैंने किस रोड पे बाइक दे दी है भाई। सो गाइस जैसे जैसे हम हाइट पे पहुंचते जा रहे हैं ना, तो ठंड बढ़ती जा रही है। आराम से। हाँ सो फाइनली गाइस बकबक को देखो ठंड लग रही है, बाइक चला रहे थे तब से तो काफी ज्यादा ठंड है यहाँ पे। कैसा मजा आया बाइक राइड करके? फिर से चलाओगे? तो गाइस देखिए यहाँ पे खेत में पता नहीं क्या लगा, लेकिन काफी अच्छा लग रहा है देख के, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूं। और वो देखो सामने के पहाड़। A few moments later. So guys देखिए यहाँ पे बकबक किस घर में घुसी हुई है, और देखो बैठी कैसे है इस पे। बकबक ठंड लग रही है क्या? तो आप यहाँ का व्यू देखो भाई, यहाँ पे इतनी ज्यादा लकड़ी है, और बकबक ने ना यहाँ से ये लकड़ियों इकट्ठी करके यहाँ पे अपने लिए छोटा सा घर बनाया। पहले का यहाँ पे बना हुआ था, किसी ने इकट्ठा करके रखा हुआ था, तो बकबक ने बोला मुझे काफी अच्छा लग रहा है, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा फोटो क्लिक करने, तो बकबक को तो यहाँ पे फोटो क्लिक करने, तो हम यहाँ से निकलते हैं फुल पावर पे। सो गाइस अब यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड हो चुकी है, बकबक को यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड लग रही है। देखिए यहाँ पे मैंने बकबक को जैकेट दे दिया। अब ये देखो भाई बकबक का जैकेट, तो भाई देखो कितनी अच्छी लग रही है बकबक मेरे जैकेट में। तो चलो बकबक को ऐसे जैकेट पहनाते हैं और चलते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे हाफ बाजू लगाया हुआ है, अब इस टाइम काफी ज्यादा ठंड लगने वाली है मुझे, तो चलो यहाँ से निकलते हैं फुल पावर। तो भाई काफी ज्यादा ठंड लग रही है, कुल्फी बन चुकी है यहाँ पे। तो भाई बकबक को ठंड लग रही थी, तो बकबक को ठंड से बचाने के लिए मुझे अपना जैकेट भी बकबक को ही देना पड़ा। तो चलो मैं यहाँ पे थोड़े से पहले टाइम लैप्स बनाता हूँ। So guys, ये देखो लड़की ने बाइक करा दिया बकबक यार। तो गाइस इस लड़की ने बाइक करा दिया यार। तो भाई ये देखो लड़की बाइक के नीचे फंस चुकी है। आराम से यार, मैंने बोला था ना। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो लैंडस्लाइड सी। आराम से उठो, इधर बैठो यार साइड पे, आप इधर बैठो साइड पे, तो इधर बैठो आप साइड पे यार बैठो। तो गाइस यहाँ पे मेरी बाइक पड़ी है, तो चलो बाइक को तो मैं बाद में देखता हूँ। क्या हो गया बकबक यार? आराम से गिरे, लगी मुझे। यार मत रो ना यार, रो क्यों रहे हो? ये क्या हो गया यार? लगी ना मुझे। तो गाइस देखो यार लड़की को लग चुकी है यार। रो मत यार बकबक, बकबक रो मत यार, आपसे बढ़ के थोड़ा ना मेरी बाइक। ये फिर से टूट गई होगी यार, कुछ नहीं होता, टूटने तो बाइक को नहीं ले लेंगे हम। उठा दे इसको, तो बाइक को पहले आप चुप तो करो। तो भाई ये देखो यार, तो ये लड़की देखो कितना रो रही है। बकबक यार चुप, बाइक को उठाओ। जाओ तो उठा रहा हूँ मैं बाइक को यार। तो भाई ये देखो यहाँ पे बाइक गिर चुकी है, और भाई ये लैंडस्लाइड थी, तो यहाँ पे बीच में ये पत्थर पड़े हुए थे। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ किसकी वजह से गिरे। तो भाई यहाँ ये रोड पे बीच में पत्थर पड़े थे। तो गाइस मैं बकबक को बोल भी रहा था, और अब देखो वहाँ पे बैठ के रो रहे हैं। तो चलो पहले मैं बाइक उठा लेता हूँ। तो गाइस चलो बाइक तो मैंने उठा लिया, तो भाई थोड़ी बहुत बाइक को स्क्रैचेस आ गए हैं। तो भाई आधी तो पहले ही टूटी थी मेरी बाइक बेचारी, तो भाई और टूट चुकी है। तो भाई मेरा ब्लैक पैंथर जो है ना डेली गिर जाता है। तो ये देखो अब बैठी है यहाँ पे, अब पहले इनको चुप कराना पड़ेगा। तो भाई ये लड़की भी इसका भी डेली का। बकबक मैंने आपको कुछ बोला? फिर भी आपकी बाइक तो गिरी ना मेरे से। यार कुछ नहीं होता यार बकबक, ऐसा यार क्यों सोचते हो आप हमेशा? यार मुझे आप और बाइक ना दोनों प्यारे हो यार, लेकिन आप रोते क्यों हो यार बार बार? कुछ नहीं होता, आपको पता है मैं जब बाइक चलाता था ना मैं डेली गिरता था। तो फिर भी तो आपकी थी ना, ये मेरी थोड़ी ना यार। आपकी, किसने बोला ये आपकी नहीं है? फिर एक और बार गिरा दूंगी यार। कुछ नहीं होता, आप ना 100 बार गिराओ इसको। तो गाइस लड़की को काफी ज्यादा लग चुकी है, तो इसे उठा भी नहीं जा रहा है। सो गाइस देखिए यहाँ पे ये अपनी ब्लैक पैंथर
तो भाई थोड़ी बहुत इंजर्ड हो चुकी है, तो बाइक की भी ब्रेक जो है वो थोड़ी बहुत टेढ़ी हो चुकी है, तो वो भी मैं सीधी करवाऊंगा, मुझे वो भी जाके सीधी करवानी है। यार रोया मत करो यार छोटी छोटी बातों पे। नहीं नहीं रोना नहीं है, ठीक है। तो गाइस चलो यहाँ से मैं कोई पास में एक शॉप देखता हूँ और इनको जूस पिलाता हूँ। पहले काफ़ी ज़्यादा डरे हैं तो मैं नहीं चाहता कि इस हालत में मैं इनको घर छोड़ूँ, तो पहले इनको जूस पिलाऊंगा, आराम से कंफर्टेबल करूँगा, उसके बाद ही घर भेजूँगा। फाइनली गाइस यहाँ पे इस लड़की को मैंने बिठाया, तो अब हम घर भी पहुँचने वाले हैं, लेकिन भाई मैंने सोचा है कि पहले बकबक को अच्छी तरह कम्फर्टेबल करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लाया भाई ट्रॉपिकाना का जूस, तो अब इसको पिलाएंगे जूस और भाई बकबक का फेवरेट लेस। तो चलो ये लो बकबक, बाइक गिरा के कुछ नहीं होता, ठीक है, आराम से जूस पियो। तो गाइस देखो मैं इनको अपने हैंडू से जूस पिलाऊंगा, जूठा नहीं करना ना, मैंने भी पीना है। चलो यहाँ पे इनको जूस पिलाता हूँ और उसके बाद निकलेंगे यहाँ से फुल पावर। तो ये भी मज़े ले रही है अब काफ़ी ज़्यादा। बकबक कैसा मज़ा आ रहा है अब? खाया? हाँ खाया है। सो गाइज काफ़ी मज़ा आ रहा था राइड पे, लेकिन भाई छोटा मोटा नुकसान हो चुका है मेरी बाइक का। तो भाई यहाँ से ये वाली चीज़ जो है ना, इसको भी स्क्रैचेस लग गए हैं और ब्रेक जो है वो भी अंदर जा चुकी है, तो उसको भी बाहर निकलवाना पड़ेगा, तो वो तो रॉड से निकलेगी। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट भी, उसको भी बाहर निकलवा दूंगा। तो गाइज अगर ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगता है तो ब्लॉग को करो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट तगड़े से ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।